बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नेचर्स पैंट्री। सो लेट्स स्टार्ट। एवर वंडर्ड इफ देयर वाज एनी अदर वे ऑफ टू गेट सम ऑफ द यूजफुल वेजिटेबल्स और हर्ब्स वी गेट एवरीडे फ्रॉम द मार्केट? यू एक्चुअली डू नॉट हैव टू लुक फर्दर देन योर ओन होम्स। हियर आर सम ऑफ देम। क्या आपने कभी सोचा है कि जो वेजिटेबल और हर्ब्स हम बाजार से खरीदते हैं उन्हें हम कहीं और से भी पा सकते हैं? इसके लिए आपको अपने घर से ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से कुछ तो हम घर पर ही उगा सकते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, तो चलिए इसे देख लेते हैं। पहला है कैरोट। सो दिस रूट वेजिटेबल इन डीप पॉट्स एंड लेट देम ग्रो। Using rocky soil may result in them being crooked, but they are still perfectly edible. Carrot, यानी कि गाजर। गाजर के जड़ को गहरे आकार वाले गमले में बोएं। पथरीली मिट्टी में यह टेढ़े मेढ़े आकार के होते हैं, लेकिन यह पूर्णतः खाने योग्य होते हैं। Second is green beans. Bees help pollinate the flower of these plant. After the growing period, you will find this green vegetable with a wonderful flavor and much better than anything you can get from a supermarket. Bees इस पौधे के फूल को pollinate करने में मदद करती है। इसे खुद से उगाने के बाद हम इन green beans को supermarket में मिलने वाले beans से भी बेहतर, पौष्टिक और स्वादिष्ट पाएंगे। Next is marigold. Cure of sunburn, acne and blemishes, this herb also soothes ulcer and digestive problem. Marigold यानी कि गेंदे का फूल। Marigold फूल से sunburn, मुहासे और फुंसियों के लिए उपयोगी है। साथ ही साथ इससे अल्सर और पाचन संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। Next is lettuce. This plant is easy to grow and maintain. It has crunchy fresh leaves and will make for an excellent salad. Lettuce पौधे को आसानी से उगा सकते हैं और देखभाल भी कर सकते हैं। इसके पत्ते crunchy और fresh होते हैं। इसका इस्तेमाल salad के लिए किया जाता है। Next is cucumber. These plants grow and spread around a lot. So be sure to give them ample space to spread their roots. Cucumber यानी कि खीरा। खीरा एक ऐसा पौधा है जो बड़ा होने पर चारों ओर फैल जाता है। इसके जड़ों को फैलने के लिए अधिक स्थान होनी चाहिए। इस पौधे की लताएं होती हैं। Next is tomato. With a little water and a lot of sun, this plant will grow and bear fruits all summer long. They are fragrant and rich in nutrients. Tomato, yani ki tomato. Tomato ke paudhe ko zyada pani ki avashyakta nahi hoti hai, lekin ise surya ke prakash ki adhik matra chahiye. Yeh paudha bada ho jane par garmiyon mein phal deta hai. Yeh poshak tatvon se bharpoor hota hai. Next is spinach. These are rich in iron and is a wonderful addition to salads and soup. You should pick it continuously once its leaves are of a reasonable size to encourage new growth. Spinach yani ki palak. Palak iron ka bahut acha srot hai. Yeh salad aur soup ke liye ek acha vikalp hai. आपको इसके सही आकार का हो जाने पर इसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि यह समय समय पर उगते रहे। लास्ट टॉपिक इज बेजल। दीज कैन बी ग्रोन इन पॉट्स और इन द ग्राउंड। अ सनी विंडो सिल विल डू। सो सीड्स डायरेक्टली इन द गार्डन इन अ सनी वेल ड्रेन्ड एरिया। दीज लीव्स आर स्वीट स्मेलिंग एंड हैव मेडिकल प्रॉपर्टीज। बेजल यानी कि तुलसी। आप इसे गमलों या जमीन दोनों पर उगा सकते हैं। इसे थोड़ी सी धूप वाली जगह पर भी उगाया जा सकता है।
तुलसी के पत्तों में औषधीय गुण होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।